दोस्तों आगे चलकर लोमश मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु इस पृथ्वी भर में पारंगत समझे जाते थे। यह निरंतर फल फूलों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है, आप इसके दर्शन कीजिए। इस आश्रम में ही महर्षि श्वेत केतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे। उद्दालक का कहोड़ नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था, उसने अपने गुरुदेव की बहुत सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे शीघ्र ही सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसे ब्याह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे, उस समय वह बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु यह ठीक ठीक नहीं होता है। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता कहोड़ को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने गर्भ के बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात करता है, इसलिए तू 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड़ धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया। जब उद्दालक को यह समाचार विविध हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी कारण जन्म लेने के पश्चात अष्टावक्र को इस विषय में कुछ पता न लगा। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे। अष्टावक्र की आयु जब 12 वर्ष की हो गई थी तब एक दिन वे उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेत केतु आए और उन्हें पिता की गोद से खींचकर कहा, यह गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेत केतु की इस कटुक्ति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भय से सब बात बता दी। यह सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेत केतु से मिलकर यह परामर्श किया कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। वह यज्ञ बड़ा ही विचित्र सुना जाता है, वहाँ हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसा परामर्श करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है, हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेश अनुसार हमारा जो निवेदन है उस पर ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो, ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राज्यसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ, तो मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहां अष्टावक्र ने कहा, राजन आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है, वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह बंदी कहाँ है, मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेत्ता ब्राह्मण देख चुके हैं, तुम उसकी शक्ति को ना समझकर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे तेजहीन हो जाते हैं उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए। इस पर अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा, इसी से वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहां का तहां पड़ा रहता है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व
और 360 अरों वाले पदार्थों को जानता है, वह बड़ा विद्वान है। यह सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मांस रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा जनक ने ये प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के पश्चात किसमें गति नहीं होती, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं, मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं है, मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ, वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है, एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। तब अष्टावक्र ने उत्तर देते हुए कहा, इंद्र और अग्नि ये दो देवता हैं, नारद और पर्वत ये देवर्षि भी दो हैं, दो ही अश्विन कुमार हैं, रथ के पहिए भी दो होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं। बंदी ने पुनः कहा, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश तीन प्रकार से जन्म धारण करती है, सब कर्मों का प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते हैं, अध्वर युजन भी प्रातः माध्यान और सायं इन तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, कर्म अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग मृत्यु और नरक ये लोक भी तीन ही हैं तथा वेद में कर्म जन्य ज्योतियां भी तीन प्रकार की हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार हैं, वर्ण भी चार ही यज्ञों द्वारा अपना अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य दिशाएं भी चार ही हैं, ओमकार के आकार उकार मकार और अर्ध मात्रा ये चार ही वर्ण हैं तथा परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी भेद से वाणी भी चार ही प्रकार की कही गई है। बंदी ने पुनः कहा, गार्हपत्य दक्षिणाग्नि अहवनीय सभ्य और अवस्थ्य ये यज्ञ की पांच अग्नियां हैं, पंक्ति छंद भी पांच पदों वाला होता है, यज्ञ भी अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास चातुर्मास से और सोम पांच ही प्रकार के हैं, इंद्रियां पांच हैं, वेद में पंच शिखा वाली अप्सराएं भी पांच हैं तथा संसार में पवित्र नद भी पांच ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने उत्तर देते हुए कहा, कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गौ छह ही देनी चाहिए, काल चक्र में ऋतुएं भी छह ही रहती हैं, मन सहित ज्ञान इंद्रियां भी छह ही हैं, कृतिकाएं छह हैं तथा समस्त वेदों के साधक यज्ञ भी छह ही कहे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम्य पशु सात हैं, वन्य पशु भी सात ही हैं, यज्ञ को पूर्ण करने वाले छंद भी सात ही हैं, ऋषि सात हैं, मान देने के प्रकार भी सात हैं और वीणा के तार भी सात ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने कहा, वस्तुओं का तौल करने वाले तौल के गुण आठ हैं, सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी आठ ही हैं और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी आठ ही कहे गए हैं। बंदी ने कहा, पितृ यज्ञ में समीधा छोड़ने के मंत्र नौ कहे गए हैं, सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी नौ ही किए गए हैं, बृहति छंद के अक्षर भी नौ ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती हैं ऐसे एक से लेकर अंक भी नौ ही हैं। अष्टावक्र ने कहा, संसार में दिशाएं दस हैं, सहस्त्र की संख्या भी सौ को दस बार गिनने से ही होती है, गर्भवती स्त्री भी गर्भधारण दस मास ही करती है, तत्व का उपदेश करने वाले भी दस हैं तथा पूजने योग्य भी दस ही हैं। बंदी ने कहा, पशुओं के शरीर में 11 विकारों वाली इंद्रियां 11 होती हैं,
यज्ञ के स्तंभ 11 होते हैं, प्राणियों के विकार भी 11 हैं, तथा देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए हैं। अष्टावक्र ने कहा, एक वर्ष में महीने 12 होते हैं, जगती छंद के चरणों में भी 12 ही अक्षर होते हैं। प्राकृत्य यज्ञ 12 दिन का कहा गया है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी 12 ही कहे गए हैं। बंदी ने कहा, तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा गया है और पृथ्वी भी 13 द्वीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि वायु और सूर्य ये तीनों देवता 13 दिनों के यज्ञों में व्यापक हैं और वेदों में भी 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह विचार में पड़ गया, परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी रही। यह देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, राजन, यह बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबवा चुका है, अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। तब बंदी ने कहा, महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ, मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है, उसी के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है, वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं, इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में उलझता देख अष्टावक्र कहने लगे, राजन, मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मतवाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। इससे मालूम पड़ता है लसौड़ों के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, अथवा तुम इस चापलूस की बातों में आ गए हो। तब जनक जी ने कहा, देव, मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ, आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं, आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया है, मैं आपके इच्छा अनुसार अभी अभी इसके दंड की व्यवस्था करता हूँ। तब बंदी ने कहा, राजन, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भय नहीं है, ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड़ का अभी दर्शन करेंगे। लोमस जी कहते हैं, सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुंचे। उनमें से अष्टावक्र के पिता कहोड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कर्मों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं, जिस कार्य को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। तदनंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया, फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित वे अपने आश्रम को चल दिए। वहां पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो। अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई उनके अंग सीधे हो गए, उनके संसर्ग से यह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो। लोमश मुनि ने कहा, राजन, यह मधुविला नदी दिखाई दे रही है, इसी का दूसरा नाम समंगा है, यह कर्दमील क्षेत्र है, यहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। वृत्रासुर का वध करने पर सचीपति इंद्र जब राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए थे तब इस समंगा नदी में स्नान करके ही वे पापों से छुटकारा पा सके थे। यह मैनाक पर्वत के मध्य भाग में विंशन तीर्थ है, इधर यह कंखल नाम की पर्वतमाला है, यह ऋषियों को बहुत प्रिय है, इसके पास ही यह महानदी गंगा दिखाई दे रही है, पूर्व काल में यहाँ भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, इसमें स्नान करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे, इसके आगे पुण्य नाम का सरोवर और भृगुतुंग नाम का पर्वत आवेगा, यहाँ तुम उष्ण गंगा तीर्थ में अपने मंत्रियों के सहित स्नान करना। देखो, वह स्थूल शिरा मुनि का सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है, वहां अपने मन से मान और क्रोध को निकाल देना। इधर यह रैब्य ऋषि का श्री संपन्न आश्रम सुशोभित है, यहाँ के वृक्ष सर्वदा फल फूल से लदे रहते हैं, यहाँ निवास करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे।